100 व्यूज पाना उतना ही डिफिकल्ट है जितना डबल डेटिंग करना है। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करोगे और अपनी वीडियोस में इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको 100 व्यूज बहुत ही इजीली आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको कोलैबोरेट करना है दूसरे यूट्यूबर्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कोलैबोरेट तो सिर्फ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको बस ऐसे यूट्यूबर्स ढूंढने हैं जिनकी आइडिया आपकी आइडिया से मैच करती है। अगर आप टेक चैनल्स बनाते हो और वो भी टेक चैनल्स बनाते हैं और उनके कुछ 1000 या 2000 सब्सक्राइबर्स है तो उनके साथ कोलैबोरेट करिए। अगर आप अच्छी वीडियोस बनाते हो तो डेफिनेटली सामने वाले यूट्यूबर्स आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। किस तरीके से कोलैबोरेट करना है उसको लेकर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हो और वो वीडियो को देख सकते हो। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि यू हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि आपको दूसरे के चैनल्स पर जाकर कमेंट्स करने होंगे। किस तरीके से आप अपनी कमेंट्स को ऊपर ला सकते हो और टॉप पर ला सकते हो उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप दूसरों की वीडियोस पर जाकर कमेंट्स करें और उनकी वीडियो पूरी तरीके से देखें, और तब भी जाकर आप सही कमेंट कर पाओगे और उस तरीके से आपके कमेंट्स के थ्रू आपके चैनल पर व्यूअर्स आएंगे और आपकी वीडियोस को देखेंगे, और इससे आप डेफिनेटली 100 व्यूज बहुत ही जल्दी पा सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है वो है मेक ट्रेंडिंग वीडियोस। अब मेक ट्रेंडिंग वीडियोस यानी कि अगर आप टेक चैनल्स की बात करो तो मोनेटाइजेशन अपडेट को लेकर कोई भी न्यूज आती है तो उस पर वीडियोस बनाइए, तो फटाफट आपके चैनल पर व्यूज आ जाएंगे। आप अगर कोई माइलस्टोन पार कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपका नया चैनल है, आपने 10 सब्सक्राइबर्स अभी ही पार किए हैं, उस पर वीडियो बनाइए कि आपने कैसे वो 10 सब्सक्राइबर्स पार किए। इस तरीके से आपके चैनल पर और व्यूज आएंगे और 100 व्यूज बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि आप अपने वीडियोस की स्टार्ट में ये मत कहिए कि आपका चैनल किस बारे में है या आपके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस तरीके से वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो आपकी वीडियो को कोई आखिर तक नहीं देखेगा, क्योंकि आपका चैनल एक नया चैनल है तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपके चैनल पर किस तरीके की वीडियोस बनती है। अगर आप पॉपुलर हो जाओ उसके बाद अगर आप स्टार्ट में कहो कि प्लीज सब्सक्राइब तो एक बार ठीक है, अगर आप शुरू में ही कह रहे हो कि प्लीज सब्सक्राइब और आप एक बिगनर हो तो कोई आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने वाला है। आपको एक पंच लाइन डालनी है स्टार्टिंग में। अगर आप एक अच्छी पंच लाइन डालोगे तो डेफिनेटली वो व्यूअर्स आखिर तक देखेंगे, और अगर 2 या 4 व्यूअर्स आपकी वीडियो आखिर तक देख लेते हैं तो आपकी वीडियो अपने आप सजेस्टेड में चली जाएगी और 100 व्यूज बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। फिफ्थ जो पॉइंट है वो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप 10 या 15 एक वीडियो बना लेते हो तो उसमें से आपकी एक वीडियो तो रैंक करती ही है और उस वजह से भी आपके 100 व्यूज बहुत ही इजीली पार हो जाएंगे। तो बस आपको मेक श्योर करना है कि आप 15 दिन या 10 दिन तक कंटिन्यूअसली दिन की एक एक वीडियो बनाएं और उसे अपलोड करिए, तो डेफिनेटली आपके 100 व्यूज बहुत ही जल्दी पार हो जाएंगे। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे और यूज करोगे अपनी वीडियोस में तो डेफिनेटली आप 100 व्यूज क्या 1000 व्यूज भी बहुत जल्दी पार कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।